एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में बाकी के बचे हुए सारे लोग अपने अपने डोम पर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गेम छोड़ने की बात करते हैं। मास्कमैन वहां आकर बोलता है कि वो लोग गेम नहीं छोड़ सकते और सभी लोग मास्कमैन के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। अब यहां जीहुन माइंड लगाता है कि एक टर्म यहां मेजॉरिटी के नाम पर भी थी, जहां सभी लोग गेम छोड़ने के लिए वोटिंग कर सकते हैं और जहां ज्यादा वोट्स होंगे वो मेजॉरिटी जीत जाएगी। ये सब सुनने के बाद मास्कमैन उन्हें गेम प्राइज दिखाता है, जिसके बाद वो लोग अपना डिसीजन ले। अब ये कंटेनर नीचे आता है जिसके अंदर 25 बिलियन वॉन्स थे। यहाँ एक पर्सन को 100 बिलियन वॉन्स मिलने वाले थे। यहाँ मास्कमैन उन्हें बताता है कि अगर ये लोग यहाँ से जाते हैं तो ये अमाउंट मरने वालों की फैमिली को दे दिया जाएगा और अगर वो लोग कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट पर्सन जो विनर होगा उसे फाइनल अमाउंट में 45 बिलियन वॉन्स मिलेंगे। ये इंडियन रुपीज में 280 करोड़ रुपए होते हैं। अब सभी लोग पैसेज देखकर शॉक हो जाते हैं और वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जीहुन गेम छोड़ने के लिए वोट करता है, बट कुछ लोग गेम में रहने के लिए वोट करने लगते हैं क्योंकि प्राइज मनी बहुत ही ज्यादा था। लास्ट में वो वोटिंग पोल सेम होता है और वो लास्ट वोट वो ओल्ड मैन प्लेयर 001 का था, जो कि वो भी यहाँ गेम छोड़ने के लिए मान जाता है और यहाँ मेजॉरिटी गेम छोड़ने के लिए जीत जाती है। अब यहाँ मास्कमैन बोलता है कि उन्हें यहाँ लास्ट चांस मिल जाएगा, लेकिन जो यहाँ से जाना चाहता है वो जा सकते हैं। अब सब लोग को वहाँ ड्रॉप कर दिया जाता है जहाँ से उन्हें पिक करा गया था और जीहुन उस लड़की के साथ ही था जिसने उसके पैसे चुराए थे और वो उस लड़की से पैसे मांगता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। सांगवू को यहाँ प्लेयर 199 के साथ ड्रॉप किया जाता है, जिसका रियल नेम अली होता है। अली यहाँ सांगवू से कॉल करने के लिए फोन मांगता है, लेकिन सांगवू को फोन डिस्चार्ज होता है। वो पास ही एक शॉप से पावर बैंक लेकर फोन चार्ज करता है। अब अली कॉल करता है और सांगवू से अपने घर के डिस्टेंस के बारे में पूछता है, जिस पर सांगवू बोलता है कि यहाँ से अली का घर बहुत दूर है। अब सांगवू अली को घर जाने के लिए बस के किराए के पैसे दे देता है क्योंकि अली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और अली सांगवू को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीहुन पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को उस गेम के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पे बिलीव ही नहीं होता और वो उसको पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देते हैं। जीहुन उनको सेल्समैन के दिए हुए कार्ड के नंबर पर भी कॉल ट्राई करवाता है, बट इस बार वो कॉल एक लेडी रिसीव करती है जो बहुत गुस्सा होती है। पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव भी जीहुन को देख रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर से जीहुन के बारे में पूछता है। पुलिस ऑफिसर से बताता है कि वो किसी गेम को लेकर फालतू बातें कर रहा था। कुछ देर बाद जीहुन सांगवू से मिलता है जो कि अपने टाउन में ही था, लेकिन वो अपने घर नहीं जाता। सांगवू उसे बताता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है जो कि 6 बिलियन वॉन्स है। ये सुनकर जीहुन शॉक्ड हो जाता है। सांगवू उसे कहता है कि उसने ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे लगाए थे और वो सारे पैसे डूब गए और जो फॉरेन जाने वाली बात थी वो केवल उसकी माँ को तसल्ली देने के लिए थी। अब जीहुन को हॉस्पिटल से एक कॉल आता है, जहाँ जाने पर उसे ये पता चलता है कि उसकी मदर को डायबिटीज है और उनके पैरों में जो घाव है वो डायबिटीज की वजह से ठीक नहीं हो रहे और उनकी सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसमें उनके पैर भी अलग करना पड़ सकता है। जीहुन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और उसकी मदर उसे घर जाने के लिए बोलती है। जीहुन अपनी मदर से कहता है कि वो उनका ट्रीटमेंट कराएगा, पर उसकी मदर कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और वो इसके लिए केपेबल नहीं है। यहाँ जीहुन को भी दुख होता है कि वो अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दे पा रहा। अब अगले सीन में हम डिटेक्टिव जुन हो को देखते हैं, जो अपनी मदर से बात कर रहा होता है, बोल रहा है कि वो अपने भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ डिटेक्टिव का भाई बहुत टाइम से गायब था, वो कहाँ गया था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। डिटेक्टिव अपने भाई के पुराने हॉस्टल जाता है, जिससे उसको वहाँ एक कार्ड मिलता है और वो कार्ड जीहुन के गेम वाले कार्ड से मैच करता है, जो डिटेक्टिव ने पुलिस स्टेशन में देखा था। अगले सीन में डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन जाकर जीहुन के घर का एड्रेस लेता है, जिससे उसे अपने भाई को ढूंढने में हेल्प मिल सके। अब हम प्लेयर 067 को देखते हैं, जो अपने भाई से मिलने आती है, मतलब वही लड़की जो जीहुन से टकराई थी और उसके पैसे चुराए थे। उसका भाई बोलता है कि वो अब अकेले नहीं रहना चाहता और वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है, जिस पर वो लड़की अपने भाई से कहती है कि वो जल्दी ही उसे अपने घर ले जाएगी और उसके पेरेंट्स भी वापस आ जाएंगे। अब उसका भाई रोने लगता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कुछ ही देर बाद प्लेयर 067 एक आदमी से मिलने जाती है, जो उसकी मदर को नॉर्थ कोरिया से निकालने के लिए 40 मिलियन वॉन्स मांग रहा था। इस पर वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम अली को देखते हैं, जो अपने वर्क प्लेस पर आकर अपने बॉस से बची हुई सैलरी मांगता है, लेकिन उसका बॉस लालची होने की वजह से उसे मना कर देता है और अली के बहस करने की वजह से उसके बॉस के हाथ मशीन के अंदर आ जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर अली पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। अली अपने घर आकर अपनी वाइफ को बोलता है कि वो ये पैसे लेकर अपने घर चली जाए और वो कुछ दिन बाद घर आ जाएगा। उसकी वाइफ पहले तो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन अली फिर उसे समझा देता है। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम इन लोगों को आ रही थी।
अब नेक्स्ट सीन में हम सांगवू को अपनी मदर से बात करते हुए देखते हैं, जो कि घर के पास ही उनसे छुपकर बात करता है। बट वो उसको कुछ भी नहीं बताता और झूठ बोल देता है कि उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है और वो अभी फॉरेन में ही है। कुछ देर बाद सांगवू की मदर एक कस्टमर से सांगवू की तारीफ कर रही थी कि तभी उसके पास पुलिस आ जाती है जो सांगवू को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने लोन नहीं चुकाया था और उसने लोन का गारंटर अपनी मॉम और उनकी शॉप को बना दिया था। और वो पुलिस ऑफिसर सांगवू की मॉम को कुछ टाइम की मोहलत देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सांगवू अपने होटल के रूम में बहुत टेंशन में होता है और उसे गेम की तरफ से इन्विटेशन फिर से आता है कि वो गेम में आ सकता है। दूसरी तरफ जीउन भी अपने एक फ्रेंड से पैसे मांगने जाता है, लेकिन वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। जीउन एक बार में बियर पीने लगता है जहाँ वही ओल्ड मैन प्लेयर 001 आता है, जहाँ दोनों बात करने लगते हैं। ओल्ड मैन उसे बताता है कि वो पास ही एक फ्रेंड के घर आया था और वो जीउन से कहता है कि वो गेम में वापस जाना चाहता है, लेकिन जीउन उसे मना करता है। लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि गेम के कंपेयर में बाहरी दुनिया ज्यादा खराब है। अगले सीन में हम प्लेयर 101 को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ प्लान बनाता है कि वो स्क्विड गेम को लूट लेगा, बट उसके नीचे काम करने वालों ने पहले ही उसे मारने का डिसाइड कर लिया था और वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्लेयर 101 खुद को बचाकर भाग जाता है। अब जीउन अपनी एक्स वाइफ से पैसे लेने उसके घर जाता है, लेकिन वो मना करते हुए बोलती है कि उसे देने के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं है और वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। बेसिकली वो अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहती थी। अब उसके हस्बैंड और बच्चे घर पर आ जाते हैं और वो जीउन को घर से बाहर भगा देती है। बाहर जीउन के पास उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड आता है जो जीउन को पैसे ऑफर करता है, लेकिन उसके बदले में दोबारा कभी भी उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाएगा, जिस पर जीउन गुस्सा होकर वहां से चला जाता और पैसे भी नहीं लेता। मतलब वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो उसी के लिए कमाना चाहता था। जीउन अपने घर जाता है जहां डिटेक्टिव उसे गेम के बारे में पूछता है, जिस पर जीउन बोलता है कि उसने सब कुछ नशे में बोला था, उसे कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव उसे अपने भाई के बारे में भी बताता है, लेकिन जीउन उसे कुछ नहीं बोलता और अपने घर चला जाता है, जहां उसके घर के गेट में गेम का इनविटेशन फिर से आता है और उस पे लिखा होता है कि अगर वो वापस आना चाहता है तो मेंशन जगह पर आ जाए। अगले सीन में जीउन, सांगवू, प्लेयर 101, प्लेयर 067 और बहुत सारे लोग गेम में रिटर्न करने को आए हुए थे और एक कार आकर सभी को वहां से ले जाती है। अब जीउन को पीछा करते हुए डिटेक्टिव भी उस कार के पीछे आ रहा था। यहां कार में प्लेयर 067 ने अपने फेस को कवर करके अपने आप को बेहोश होने से बचा लिया था। यही एपिसोड 2 एंड हो जाता है।